हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल अनुभव टीचर आज हम लोग जानेंगे कुछ टाइप ऑफ प्राणायाम और उसके बेनिफिट्स तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अनलोम विलोम अनलोम विलोम प्राणायाम इज वन ऑफ द फेवरेट प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऑफ इन प्रैक्टिस ऑफ हाथ योगा अनुलोम विलोम प्राणायाम हठ योग के अभ्यास में उपयोग किए जाने वाला किए जाने वाला कई प्राणायाम या साफ अभ्या अभ्यासों में से एक है द फर्स्ट वर्ड एनी रफ एनी रफली ट्रांसलेट एस विथ एंड में फे एम्प्लाइंग विद द ग्रेन और नेचर एंड मीनिंग ऑफ लोमा इज अगेंस्ट द ग्रेन पहला शब्द अनु अनु खास तौर पर लोमा शब्द के साथ अनुवादित है जिसका अर्थ है बाल जिसका अर्थ है लाभ के साथ यह नीचे में प्रकृति और विलोम का अर्थ है अनाज के खिलाफ अगेंस्ट अट्स बेनिफिट्स इट हेल्प्स टू क्योर मेंटल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन एन टेंशन यह मानसिक समस्याओं जैसे डिप्रेशन चिन्ह एनेक्सिटी एनेक्सिटी मीन्स चिंता एंड टेंशन कोई है आदि को ठीक करने में ये मदद करता है देर मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक ब्रॉन्चिटिव अस्थमा एटक्सरा अच्छा। यह सांस लेने संबंधित समस्या और ब्रोंकाइटिस ब्रॉन्चिटिव अस्थमा आदि के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद है थर्ड यह इट इम्प्रूव द तो वर्किंग ऑफ लंग्स ये फेफड़ों के यह फेफड़ों के काम में सुधार करता है

ननी फून में हम अपनी साफ सांस को एक सेकंड या एक मिनट के लिए रोकते हैं और फिर सांस छोड़ देते हैं सेकंड बेनिफिट्स इट हैल्स टू क्योर मेंटल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन एनसाइटी टेंशन यह मानसिक समस्याओं जैसे डिप्रेशन चिंता और टेंशन को को आदि को ठीक करने में मदद करता है इट इज मोस्ट फॉर ब्रेथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक ब्रॉन्चिस अस्थमा एडसे यह सांस लेने संबंधित समस्याओं जैसे ब्रॉन्चड अस्थमा आदि के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद है थर्ड इट इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ लंग्स यह फेफड़ों के काम में सुधार करता है थर्ड द भ्रामरी प्रायाम द वर्ड ब्राह्मणी ब्राह्मणी कम फ्रॉम द संस्कृत नेम ब्राह्मण विच इज हमिंग ब्लैक बी ब्राह्मणी शब्द संस्कृत नाम ब्राह्मण से आया है जो काली मधुमक्खी की ह्यूमिंग <laughs> है ब्राह्मणी ब्रीथिंग में है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इंजोक्राइनाइन ग्लांस स्पेशली थायराइड्स एंड नर्वस सिस्टम ब्राह्मणी सांस का सांस का वी गतियों विशेष रूप से थायराइड और थायराइड और इंडो पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इट्स बेनिफिट्स इट्स से फैलिब्रल टेंगल एनेक्सिटी इन सोम यह मानसिक तनाव क्रोध चिंता अनिद्रा को कम करता है इट लोवर्स द ब्लड प्रेशर यह ब्लड प्रेशर को कम करता है

कहा जाता है प्रैक्टिस ऑफ उज रिजल्ट इन हाई एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स उज्जाई के अभ्यास में उज्जाई के अभ्यास से मन में उच्च ऊर्जा की स्थिति उत्पन्न होती है लेकिन इसे मानसिक साहस कहा जाता है इट्स बेनिफिट्स ऑफ उई इट इंक्रीज द सेंसिटिव या मानसिक स्वदेह स्वदेनन को बढ़ाता है इट हेल्प ब्रिंग डाउन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को कम करने में मदद करता है इट मेक्स द माइंड काल काम एंड बाय रिमूविंग स्ट्रेप या तनाव को दूर कर मन को शांत बनाता है फिफ्थ सूर्य भेदन

प्रक्रियाओं के लिए दाहिने न थोने से सांस लेना महत्वपूर्ण है इट्स बेनिफिट दिस प्राणायाम इनक्रीज द बॉडी स्पीडिंग अप टू वेटैलिटी शरीर में प्राण वृद्ध जीवन की शक्ति को तेज करता है इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर डिप्रेशन लो एनर्जी यह अस्वाद कम ऊर्जा के लिए बहुत प्रभावी है इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट ये तनाव को मैनेज करके रखता है फोर्थ पलवीन प्राय पलवीन प्रायम प्लू मीन्स टू स्विम प्लू का मतलब है कि तैरना पलव मीन फ्लोटिंग और पलव का भी मीनस वही है तैरना पलवी डेट विच मेक्स वन फ्लोर पलवीन वह जो एक तैरती है इट्स बेनिफिट्स एक्सपर्ट ऑफ पल्वीन प्रायाम कैन सस्टेन अगर तो हम कई दिनों तक बिना भोजन खाए जिंदा रह सकते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस प्रायाम ब्लड ग्लोव इन टू द बॉडी एक्सट्रीम स्पीडली थर्स रिमूविंग द्योरिटी एंडेड इन द बॉडी अगर हम ये अगर हम ये योगा कर आसन करते हैं तो इसमें जो हमारा इम्प्योरिटी और टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाता है इस योगा के द्वारा थैंक यू फॉर वॉचिंग